पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं सर। पुष्पा पुष्पराज, ये डायलॉग का कॉपी तो आज तक सभी ने किए होंगे, चाहे वो मैं हूँ या फिर तुम। और अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का महान बल्लेबाज वार्नर, जिसको कॉपी करके इतना फेमस हो गया इंडिया में। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं सर। और ऐसी बहुत सारे डायलॉग और नया नए स्टाइल को लेके फिल्म आ रहा है पुष्पा 2। जिसका हाल ही में टीजर आया है, और हमें पता है तुम में से बहुत सारे लोग नाराज हो टीजर से, क्योंकि भाई साहब टीजर इतना छोटा एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने, और आलोचन को और देखना चाहते हैं हम लोग, तो इसीलिए फिल्म आने वाला है 4 महीने बाद, लेकिन इसका हाइप अभी से शुरू हो गया है। खैर देखो, ये वीडियो से शायद तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए और तुमको कुछ जानने को मिले पुष्पा के बारे में। तो बिना बात बढ़ाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखो सबसे पहले, ये जो हम लोग बता रहे थे ना, पुष्पा काली माँ का रूप ले रहा है, वो रूप काली माँ का नहीं है बल्कि रूप देवी गंगा माँ का है। अब देखो, गंगा माँ का स्टोरी बहुत बड़ा है, लेकिन तुमको थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। गंगा माँ जो कि त्रिपुरा आंध्र प्रदेश में पूजा किया जाता है वहाँ पर कुछ रिचुअल के हिसाब से, क्योंकि बहुत साल पहले वहाँ का लोग लड़कियों के ऊपर अत्याचार करता था और मार देता था, तो इसीलिए गंगा माँ अपने रूप में आके उन लोगों को मारता है, लड़कियों को बचाता है। और पुष्पा टेलर में भी पुष्पा को दिखाया जाता है लड़कियों के वेश में, मतलब वो साड़ी पहना हुआ है, घुंघरू पहना हुआ है, और वहाँ पर पूजा भी हो रहा है जो कि गंगा माँ का पूजा हो रहा है। और हम सब जानते हैं पुष्पा बाबू जो भी करेगा गांव के भलाई के लिए करेगा, तो इसीलिए हो सकता है उस गांव में बहुत सारा अत्याचार बढ़ गया, इसीलिए पुष्पा गंगा माँ का रूप में आके वहाँ पर दुश्मनों को मार के भगाते। अब देखो भाई साहब, ये जो कहानी है ना, ये बहुत सारे लोग को बकवास लग सकता है, लेकिन हमने जो बताया ना, इसके ऊपर रिसर्च किया फिर ये बात सामने आया। अब ये फिल्म जब आएगा तभी पता चलेगा पुष्पा इस बार किसके सामने झुकेगा और किसके सामने नहीं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कैसे पुष्पा पुलिस वाला को बेइज्जत करके आते और पुलिस वाला कितना गुस्से में था, और जब पुष्पा का ग्लिम्स आया था तब पता चल गया था पुष्पा भाग गया था गांव से, और उसका जो शर्ट था वो भी खून से लथपथ था, लेकिन उसके बाद ही दिखाया जाता है पुष्पा का रूल। अब रूल पुष्पा का, मतलब ये जो पार्ट होने वाला है इसमें पुष्पा रूल करेगा रूल। पहले पार्ट में पुष्पा गरीब था, वो गरीब से कैसे बड़े बने, मतलब कैसे मालदार पार्टी बने, फिर सिवल्ली से शादी किया था, पुलिस वाले से पंगा ले लिया था, वो सब कहानी आगे बढ़ेगा इस पार्ट में। लेकिन भाई साहब पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, ये तो सबको पता है, पर पुष्पा का जो टीजर है ना, इसमें बहुत सारे लोग खुश नहीं है, उसमें से मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में और जानना था, पुष्पा का मुझे डायलॉग सुनना था, लेकिन कुछ नहीं दिखाया टीजर में। खैर देखो, पुष्पा का टीजर आते ही बहुत सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जैसे कि इसका व्यूज 100 मिलियन पहुंचने वाला है। मतलब इस वीडियो में क्या था, सिर्फ पुष्पा का नया लुक और उसका अंदाज, इसमें लोग पगला हो गया क्या बोले भाई। ये टीजर में सिर्फ एक ही लोकेशन को दिखाया गया है जहाँ पर पुष्पा को गंगा माँ के अवतार में देखने को मिल रहा है, इससे अच्छा तो एक साल पहले जो ग्लिम्स आया था ना, वो बहुत लंबा चौड़ा दिया गया था। हमें तो लगता है जो एक साल पहले वीडियो आया था ना पुष्पा का ग्लिम्स करके, वो शायद अभी लॉन्च कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब ये जो वीडियो ना 1 मिनट 8 सेकंड का, वो पिछले साल करता, और वो बड़े वाला वीडियो अगर अभी कर देता तो बैलेंस बन जाता। खैर देखो, ये फिल्म का बजट है 500 करोड़ रुपया, जो कि आने वाला है 15 अगस्त को, पर मेकर्स इसको लेके इस बार बहुत सीरियस है, क्योंकि पुष्पा ऐसी फिल्म है जो कि पहले पैन इंडिया फिल्म लॉन्च किया था, और पुष्पा का दाढ़ी का स्टाइल और झुकेगा नहीं साला दुनिया का कोना कोना में लोग फॉलो करता है। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं सर। क्या बोलते भाई लोग, तुमको कैसे लगते हैं पुष्पा, और पुष्पा का सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है, नीचे कमेंट में बताते जाना। देखो भाई, मेरा और वार्नर भाई का तो सेम ही है, झुकेगा नहीं साला पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं सर। अभी तुम्हारा कौन सा है कमेंट में बताना, और भाई पुष्पा के बारे में और कुछ जानना है तो वो भी बताना, हम बनाएंगे वीडियो तुम्हारे लिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। हम मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है।